मैं अंदर आ सकता हूँ बॉस? हाँ ड्राइवर आओ, कैसे आना हुआ? बॉस वो सैलरी मिल जाएगी? ये लो तुम्हारी सैलरी, 22 मार्च तक के हैं, 22 को लॉकडाउन हो गया था, 22 के बाद तुम नहीं आए, ये तुम्हारी मार्च की 22 तक की सैलरी है। और बॉस अप्रैल की? अप्रैल में तुम एक दिन भी नहीं आए, किस बात की सैलरी? पर बॉस मैं तो आना चाहता था, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, मैं कैसे आता? फैक्ट्री का काम ठप पड़ा है, तुम्हें अपनी सैलरी की पड़ी है? देखो काम कितने दिन से रुका पड़ा है, मैं क्या कर सकता हूँ अगर लॉकडाउन हो गया तो? मैं तो गरीब आदमी हूँ, पिछले 5 साल से आपके पास नौकरी कर रहा हूँ, अगर आप मेरी सैलरी नहीं देंगे मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। गवर्नमेंट दे तो रही है तुम गरीबों के लिए राशन। सर अगर सैलरी नहीं मिली मैं तो कर्जे के नीचे डूब जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा सर? मैं तो आपके सहारे ही था, भूखा मर जाऊंगा। जहां मर्जी जाओ, मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा। वो कितना बुरा सपना देखा मैंने, आज मैंने सैलरी लेने भी जाना है बॉस के पास, कहीं ये सपना सच न हो जाए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ आओ आओ। और जीवन घर में सब ठीक ठाक हैं? हाँ सर घर पे सब ठीक है सर। मैं वो सैलरी के लिए आए होंगे तुम? हाँ जी। लॉकडाउन की वजह से मैं तुम्हारी सैलरी भिजवा नहीं पाया, वरना घर ही भेज देता। ये लो मार्च और अप्रैल की सैलरी पकड़ो अपनी। सर मैं अप्रैल में तो आया ही नहीं। अरे लॉकडाउन की वजह से सारे काम बंद पड़े थे, तुम कैसे आते? अगर लॉकडाउन ना होता फिर तो तुम आते ही ना। नहीं सैलरी रखो, ये तुम्हारा हक है, पिछले 5 साल से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, इस मुश्किल की घड़ी में अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जैसा मालिक सबको मिलना चाहिए। मैनेजर साहब का फोन? हाँ जी मैनेजर साहब। जी जी। अरे आप चिंता मत कीजिए, काम शुरू हो गया है, लॉकडाउन खत्म हो गया है, अपनी सारी किस्तें हम टाइम पे उतार देंगे, मुझे पता है 3 महीने का ब्याज भी देना है, निश्चिंत रहिए। अपने उस वेंडर को फोन मिलाता हूँ जिससे ऑर्डर मिला हुआ है। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? सर वो कुछ पेमेंट कर देते। क्या ऑर्डर दिए बिना आप पेमेंट नहीं देंगे? सर हम कह तो रहे हैं लॉकडाउन था, लॉकडाउन अब खुल गया है, काम लग गया है, जल्दी हम ऑर्डर पूरा कर देंगे। सर 30 दिन में कैसे होगा? 60 दिन का काम हम 30 दिन में कैसे कर पाएंगे? सर प्लीज कुछ पेमेंट। सर 30 दिन बाद अगर पेमेंट मिलेगी तो मजदूरों को हम पेमेंट कैसे देंगे अब? ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मजदूरों से बात करनी पड़ेगी एक बार। जीवन गाड़ी बाहर निकालो, थोड़ा बैंक तक जाके आना है। ठीक है सर। सर आप परेशान से क्यों लग रहे हो? हाँ बात ही परेशानी की है भाई, वेंडर ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया और कह रहा है कि 60 दिन का काम 30 दिन में करके दो। सर क्यों टेंशन करते हो, मैं अभी सभी मजदूरों के साथ बात करके आता हूँ। ठीक है कर लो बात, काम के लिए और लोन लेना पड़ेगा, इस लॉकडाउन ने तो व्यापारियों की कमर ही तोड़ दिया। सर मेरी सभी मजदूरों के साथ बात हो गई है, वो 60 दिन का काम दिन रात करके 25 दिन में पूरा कर देंगे, और आप टेंशन मत लो, सैलरी भी बाद में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबका। सर मुसीबत के टाइम आप हमारे साथ खड़े थे, अब आप पे मुसीबत आई है, हम थोड़ी पीछे हटेंगे। अभी तो मैं कहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे एम्प्लॉय नहीं, मेरे परिवार के हिस्से हो।